निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल द निराला टीवी में। दोस्तों, आज शाह जफर वेलफेयर ट्रस्ट की टीम के द्वारा हर साल की भांति एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। ये क्विज कंपटीशन मकतब के बच्चों के लिए स्पेशली हर साल शाह जफर वेलफेयर ट्रस्ट रखता है। तो इस बार ये कॉम्पिटिशन रखा गया था गाँव पिलखना वाले में, जहाँ पर मस्जिद में मकतब में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये कॉम्पिटिशन का आयोजन करवाया गया था, जिसमें करीब 110 सवाल रखे गए थे हर एक बच्चे के लिए। उनमें से उन बच्चों को 110 सवालों के जवाब याद करने थे, और बाद में जब ये कॉम्पिटिशन जैसे ही आयोजित होता तो हर एक बच्चे से 5-5 सवाल अलग अलग तरीके से पर्चियों के माध्यम से उनसे पूछे जाते हैं, और फिर वो बच्चे अगर उनका सही से जवाब देते हैं और या फिर वो लड़खड़ा जाते हैं उनके जवाब देने में या कुछ भी रहता है, तो उसका परिणाम बाद में जो जजेस बैठाए जाते हैं टीम के द्वारा, 3 जजेस की नियुक्ति की जाती है इसमें, वो फैसला करते हैं कि इसने जो भी आंसर दिया है वो सही है गलत है, या इसके सही आंसर के हिसाब से या इसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, तो उसके आधार पर फिर इसका रिजल्ट घोषित किया जाता है। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों को उचित इनाम से नवाजा जाता है। जैसे उन बच्चों को बैग्स दिए जाते हैं या और भी अच्छा सामान उन बच्चों के जो काम का हो, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो सामान उनको दिया जाता है। और उसके अलावा जो पार्टिसिपेट करने वाले और बच्चे रह जाते हैं, जिनका जो किसी पोजिशन को हासिल नहीं कर पाते मगर फिर भी वो कंपटीशन में भाग लेते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ शाह जफर की तरफ से, शाह जफर वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कुछ ना कुछ इनाम उनको दिया जाता है, जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी इत्यादि बहुत सी ऐसी चीज़ें कई बार दी जाती है। तो इस बार भी शाह जफर वेलफेयर ट्रस्ट की टीम ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने वाले बच्चों को बैग्स दिए, और उसके अलावा जो और अन्य बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले थे उनको पेन देकर सम्मानित किया। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, इस जो कार्यक्रम था इसकी तैयारी कराने के लिए सबसे अहम भूमिका इस मस्जिद के इमाम कारी इकराम साहब और उनके एक साथी की रही, जो इसी मस्जिद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने दिन रात कर बच्चों को समय निकालकर ये कंपटीशन के लिए तैयार किया। एक बच्चे ने कलाम पाक की तिलावत की और इस कार्यक्रम का आगाज़ किया, और इसके साथ साथ कुछ बच्चियों ने भी मुकर्रमा किया। और शाह जफर वेलफेयर ट्रस्ट का जो एक सोच है कि एक जागरूकता समाज के अंदर बच्चों के अंदर लेकर आने की, उनको किस प्रकार से नशे से बचाया जा सकता है, उनको शिक्षा की और किस प्रकार से आकर्षित किया जा सकता है, और भी जो समाज के अंदर फैली हुई बीमारियों से किस प्रकार से बच्चों को बचाया जा सकता है, तो सब सोच को लेकर शाह जफर वेलफेयर ट्रस्ट पिछले कुछ सालों से आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में कार्यरत है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आप भी इस प्रकार के कार्यक्रम में भी हिस्सा लोगे और अपना योगदान समाज के लिए दोगे। धन्यवाद।
सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला सवाल इनसे है, सवाल नंबर 77, ज़कात में माल का कितना हिस्सा निकाला जाता है? 40वां हिस्सा यानी 2.5% निकाला जाता है। ठीक है, शाबाश। तीसरे नंबर पे है मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम से पहला सवाल है, सवाल नंबर 87, हमारे नबी की वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल कहाँ हुआ? अबुआ गांव में। दूसरा सवाल इनसे है, सवाल नंबर 72, ईशा में कितनी रकात होती हैं? ईशा में 17 रकात होती हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 3 वितर और 2 नफिल। अगला सवाल इनसे है, सवाल नंबर 63, सवाल नंबर 63, मस्जिद नबवी कब बनाई गई? सन 1 हिजरी में बनाई गई। अगला सवाल इनसे है, सवाल नंबर 82, हमारे नबी कब पैदा हुए? हमारे नबी 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी रबीउल अव्वल की 9 तारीख को पीर के दिन पैदा हुए। आखिरी सवाल इनसे है, सवाल नंबर 49, हजरत अली कब शहीद हुए? 17 रमजान सन 40 हिजरी को शहीद हुए। अगले कंटेस्टेंट है मोहम्मद हारिस, हारिस मुरसलीम। मोहम्मद हारिस से पहला सवाल है, सवाल नंबर 62, मस्जिद अक्सा कहाँ है? फलस्तीन में। दूसरा सवाल इनसे है, सवाल नंबर 17, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अगला सवाल है, सवाल नंबर 30, डेंगू रोग कैसे फैलता है? मच्छरों से। अगला सवाल है, सवाल नंबर 36, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। अगला सवाल है, सवाल नंबर 33, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक, अगला सवाल इनसे है, सवाल नंबर 33 है शायद, मिट रहा है, हमारे नबी अरब के किस खानदान से थे? कुरैश खानदान से थे। 38 होगा, फिर वो मिट रहा है उसमें ना, मिसप्रिंटिंग हो रही है। अगला सवाल इनसे है, सवाल नंबर 104, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बहादुर बाबर ने। शाबाश, बाबर जो है वो पहले राजा थे, मुगल राजा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपसे कुरान के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ मेरे बहन, जरूर पूछिए। कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ है? कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ है। कुरान कितने साल में नाजिल हुआ है? कुरान 23 साल में नाजिल हुआ है। कुरान में 14 सजदे हैं।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है अल्लाह एक है और वो ही इबादत के लायक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। खुलफाए राशिदीन किसको कहते हैं? खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सबसे पहले किस सहाबी ने अजान दी? सबसे पहले हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने अजान दी। अरे बहन, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अच्छा बताओ, आपने इतनी सारी बातें कितने वक्त में सीखी? सिर्फ 1 घंटे में। अच्छा बहन, मैं चलती हूँ, मेरे मकतब का वक्त हो चुका है। बहन, मैं भी अपने वालिद से कहकर आपके मकतब में अपना एडमिशन करवाऊंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। राजधानी कहाँ है? दिल्ली। हरियाणा की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है ना। अगला सवाल इनसे है, सवाल नंबर 64, इस्लाम में सबसे अहम इबादत कौन सी है? नमाज। अगला सवाल इनसे है, सवाल नंबर 55, इल्म का दरवाजा किसको कहा गया है? इल्म का दरवाजा किसको कहा गया है? हजरत अली को। अगला सवाल इनसे है, सवाल नंबर 9, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। अगला सवाल इनसे है, सवाल नंबर 98, सवाल नंबर 98, हमारे नबी की कितनी उम्र हुई? हमारे नबी की कितनी उम्र हुई? 63 साल उम्र हुई हमारे नबी की। 63 साल उम्र हुई। ठीक है, शाबाश। इनके नंबर हैं 125, 150 नंबर में से 125 नंबर लिए हैं इन्होंने। और जो इनके साथ अभी बुलाया गया था मोहम्मद इब्राहिम, उनके भी 125 ही नंबर थे, लेकिन बाद में हमने जो है कंपटीशन कराया इनका, इनसे कुछ इन पर्चों से अलग सवाल पूछे गए, उसमें जो है इन्होंने सही जवाब दिया, तो इसलिए थर्ड पे इनको रखा गया है। वरना इब्राहिम जो है वो भी अपने नंबर कम ना समझे, आप भी इनके बराबर हैं। ये आप लोगों के बच्चे हैं, इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए आप लोगों को आगे बढ़ाया। चलो जी, दो जने क्या, चार पांच जने आओगी, सारे आओ इधर, बुजुर्ग लोग आप भी आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ। कोई नहीं, कोई नहीं, उठा ले। दूसरे नंबर पे आई है जासमीन खातून। जासमीन बिन्त कुर्बान, इन्होंने 150 में से 126 नंबर हासिल किया। तीसरे नंबर पे आए हैं, अच्छा फर्स्ट तो हो गया ना, फर्स्ट नंबर पे है शाइना खातून बिनते अबुल हसन। शाइना बिनते अबुल हसन, इन्होंने 128 नंबर हासिल किए। इसके बाद हम चाहेंगे कि वो जितने भी बच्चे थे जिन्होंने इसमें भाग लिया है वो सब एक एक करके आए, उनका नाम बोल रहे हैं हम। पहले नंबर पे है सादिया खातून, सादिया, सादिया के बाद सोफिया खातून। चलो चलो चलो,
छोटा छोटा नाम दे देगा ना सारों, सारों को एक साथ कैसे? नहीं बस मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम के बाद मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हारिस। अभी हमारे पास चॉकलेट भी है जो हर बच्चों को दी जाएगी, ठीक है।